हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने कुक फूड चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में जो फ्रेंच फ्राई जो खाते हैं, जो हम ऑर्डर करके जो घर पे फ्रेंच फ्राई जो मंगवा के जो खाते हैं, उसी फ्रेंच फ्राई को आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आलू लेना है। आलू को अच्छी तरीके से पहले छील लेना है। छीलने के बाद क्या करने का, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपको निकालना है। दोनों साइड चारों तरफ आपको इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद सबसे पहले एक साइज का करना है। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ से अच्छी तरीके से साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद क्या करेंगे, हमको इसी तरीके से आपको फ्रेंच फ्राई एकदम पतला पतला काटना है। ज़्यादा आपको मोटा नहीं रखना, एकदम थोड़ा सा मीडियम साइज में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पोटैटो कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 पोटैटो कट किया है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको भिगा के रखेंगे। भिगाने से क्या होगा, जो भी इसका स्टार्च जो रहता है ना, वो अच्छी तरीके से इसका स्टार्च निकल जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी और एकदम क्रंची फ्रेंच फ्राई होने वाला है। आप इसे अपने घर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, जो फ्रेंच फ्राई जो हमने कट किया इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी में आपको वॉश करना है, ठीक है ना। 3 से 4 पानी में बस वॉश कर करके इस तरीके से करना, ताकि इसका स्टार्च अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से पोटैटो को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ नमक ही आपको डालना है, बाकी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम अब डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से दोस्तों एकदम इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतना ज़्यादा क्रंची होएगा ना, आप कभी भी ये इस रेसिपी को, आप ये फ्रेंच फ्राई बनाने का जो तरीका है ना, एकदम आसान है, इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा आपको कॉर्नफ्लावर डालना है। डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको पानी भी हल्का हल्का डालते रहना है ना, हल्का हल्का आपको पानी डालते रहना है। और क्या करना है, इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के एकदम मस्त से एकदम इसको अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेना है। एकदम ये बहुत ही जल्द एकदम ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राई यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल का जो ऑयल यहाँ पे हमने गरम करने के लिए रखा है, और इसको क्या करेंगे मीडियम फ्लेम में पहले गरम एकदम होने देते हैं। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, एकदम मीडियम होना चाहिए। और आपको क्या करना है, फ्रेंच फ्राई डाल देना है। ये हम लोग होटल और रेस्टोरेंट में इसी तरीके से हम फ्रेंच फ्राई बना के देते हैं। और आपको एक बात बता दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम क्रिस्पी और क्रंची होने वाला है। जिस तरीके से मैं बताया हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा, एकदम बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्रंची होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राई को यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद दोस्तों ये 5 से 7 मिनट में ये एकदम आपका फ्रेंच फ्राई एकदम रेडी हो जाएगा। एकदम स्लो फ्लेम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। फ्रेंच फ्राई डालने के बाद एकदम स्लो कर देना है फ्लेम, ताकि हमारा पराठा है एकदम स्लो से एकदम पकना है, अच्छे से तरीके से फ्राई हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं हमारा अभी फ्रेंच फ्राई अभी भी नहीं हुआ है, और थोड़ा सा इसको हम पहले क्रिस्पी होने देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राई दिख रहा है, और इसको हम अच्छी तरीके से और थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। आप चाहे तो इसको 2 मिनट निकाल लेना है, उसके बाद फिर 2 मिनट का बाद अगर आप फिर डालिएगा तो एकदम फुली क्रिस्पी हो जाएगा। मैं अभी इसको निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा एकदम फ्रेंच फ्राई रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में निकाल लेते हैं सबसे पहले, और फिर आपको हम दिखाएंगे प्लेट में डाल के आपको दिखाते हैं। इसको आप टोमेटो सॉस के साथ में खाना है। आपने पकोड़े, बहुत सारे पकोड़े आप लोग घर में बना के खाते हैं, बट कभी भी ये वाला फ्रेंच फ्राई जो है ना, ये ट्राई करिए, बहुत ही मज़ा आता है खाने में।
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे टोमेटो सॉस प्लेट में रख लिया है। अब हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रेंच फ्राई को रख देंगे। और आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल देंगे, आप चाहे हल्का सा इसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा फ्रेंच फ्राई हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताना ये फ्रेंच फ्राई कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।